स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर देखिए, प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और प्रदेश में बारिश की वजह से 11 राजमार्ग सहित कुल 126 सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और इसको लेकर चार धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। बंद सड़कों को खोलने की तैयारी लगातार की जा रही है। रात दिन सरकारी मशीनरी बंद सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। कुल 126 सड़कें बंद हो गई हैं भारी बारिश के चलते। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रदेश में 11 राजमार्ग सहित 126 सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार बारिश हो रही है और मलबा देखिए सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से कहा जाए कि 126 सड़कें बंद हो गई हैं और इनमें 11 राजमार्ग भी शामिल हैं। तो बड़ी संख्या में कहा जाए कि जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन जो है वो प्रभावित हुआ है। और देखिए चारधाम यात्रा भी जिस तरह से चल रही है उसको लेकर भी प्रभावित हुई है। चारधाम यात्रा भी बारिश के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, लगातार बारिश की वजह से तमाम जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। बंद सड़कों को खोलने में रात दिन सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। लोगों को लगाया गया है सड़क किस तरह से क्लियर हो, लोग देखिए किस तरह से फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जो वाहन हैं वो सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा भी इसको लेकर प्रभावित हुई है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए सड़कें जो है वो लगातार बंद है, चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है, किस तरह से कहा जाए कि सरकारी जो मशीनरी है वो सड़कों को खोलने में लगी हुई है? देश के कई इलाकों में इसी तरीके की स्थिति है और जिस तरीके से मानसून लगातार बढ़ रहा है और उससे प्रदेश की ज्यादातर सड़कें ऐसे ही बंद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बद्रीनाथ और जो हाईवे है या फिर केदारनाथ हाईवे है वो रुक रुक कर बंद हो रहे हैं, फिर उनको खोला जा रहा है। जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पिछले दो तीन दिनों से बेहद डिस्टर्ब है, उसकी वजह से क्योंकि वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और उसकी वजह से वहां पर लोगों 10-10 हजार जो श्रद्धालु हैं वो फंस जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के कई इलाकों में कुछ ऐसी स्थिति है। तौर पर रामनगर, नैनीताल और इसके अलावा जो अल्मोड़ा, कई जगहों पर इसी तरीके की स्थिति और भूस्खलन के कई मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल पंकज, जो आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सड़कें लगातार अवरुद्ध हो रही हैं भारी बारिश की वजह से और लगातार सड़कों को खाली कराने के लिए, सड़कें साफ करने के लिए भी जो सरकारी मशीनरी है वो लगातार लगी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं देहरादून से। खबर है कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान